रखने वाली हूँ ऑन रोहित शर्मा टेक लाइव। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो मैम मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। जो रोहित शर्मा कर सकते ना वो शायद कोहली भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक ओवर में 3-4 छक्के मारना या 45 बोलों पर 80-90 रन बनाना, वो मैंने कोहली को भी करते हुए कम देखा। If I was an India selector, I would pick Rohit Sharma not for one series or two series, but for 5 years. I would say play for 5 years. You said ये इतना बड़ा batsman बनेगा। Rohit Sharma, मैं क्या इसके आगे जी लगा ले, great Rohit Sharma कर ले इसको। क्यों? क्योंकि तेरे से बड़ा batsman पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं है। When he gets in one of those moods, doesn't matter who you bowl, doesn't matter what field you set, when he's on, he's on. मैं पहले उनके साथ खेला हूँ। तो उनके साथ एक मैं टीममेट था, लेकिन मैं फैन हूँ। बैटिंग वाज डिफिकल्ट बट नॉट फॉर रोहित शर्मा। वाओ, क्यूरियोसिटी होती थी रोहित शर्मा का नाम बहुत, मतलब एवरीवन सेड यार ये एक प्लेयर आ रहा है, ये एक प्लेयर आ रहा है, तो बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि यार यंग प्लेयर तो हम भी हैं, ऐसा कौन सा प्लेयर आ रहा है यार, हमारी कोई बात ही नहीं कर रहा। तो T20 वर्ल्ड कप था तो उसको बैटिंग करते देखा ना मैंने, तो मैं ऐसे ही बैठ गया सोच रहे, मैंने कहा बेटे आज के बाद कुछ मत बोल। बोलना रह गया, कल को ये ना बोल देना कि वो रोहित शर्मा के 92 रन में रोहित शर्मा नहीं आया था, एक इंडिया ने रोबोट बनवा लिया क्रिकेट टीम में जो रोहित की तरह दिखता है, वो मारता है छक्के। Most of the Mumbai slang I know is Rohit Sharma on the stump mic. So, I'm a big fan of Rohit Sharma. So yeah, they mute half of that stuff. Yeah, I know. जल्दी तो मंगाओ बॉल यार, हम लोग 3 ओवर पीछे आ गए, ये लोग ऑल आउट हो गए ना, हम लोग को 3 ओवर का वहाँ वो लगेगा। गार्डन में घूमेगा सबका। ले लेता हूँ वहाँ तीन तीन है। ले 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 क्या पता इंसान है। वीरू आईपैड दिया क्या पहला बॉल? देगा भी ए! उसके बाद के अच्छा, ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसका फोन आए और आप कभी लाउड स्पीकर पे डाल ही नहीं सकते हो, अकेले ही सुनना पड़ेगा? एक्चुअली वो मैं ही हो सकता हूँ, क्योंकि इतना मैं कह सकता हूँ कि कॉन्वर्सेशन के हर सेंटेंस में एक दो गाली पक्का, स्टार्ट होने में, एंड होने में, बीच में गाली गाली। अरे वीरू आईपैड दिया क्या पहला बॉल? क्रिकेट में कौन है बैक बेंचर? बैक बेंचर उसका बेस्ट फ्रेंड रोहित शर्मा। गार्डन वाले, गार्डन वाले जाके कोई भी गार्डन में घूमेगा। मैंने अभी रोहित के साथ एक इंटरव्यू किया, बोला शर्मा जी एक सच्चाई ये लगती है मेरे को कि
ये परखने के लिए ना कि गार्डन वाले कौन है, उसके लिए खुद गार्डन वाला होना बड़ा जरूरी है। तो आप जानते हैं कि आप खुद वो गार्डन वाले लड़के हैं। ही सेड लाइक करेक्ट डेरी, जब मैं था यंग था टीम में, मेरे को यही सुनने को मिलता था सारे सीनियर से, मैं भी टहलता टहलता रहता था। रोहित इज वो बड़ा भाई जो झाड़ लगाएगा और फिर उसके बाद कंधे बाद डालेगा चला इसमें उस तरीके, वो बड़ा भाई कि मैं डांटूंगा भी, गाली दूंगा, सबके सामने दूंगा, फिर सबके सामने आगे पप्पी भी दे दूंगा तेरे को। वो एकदम एकदम चिल्लाए जिस आई जस्ट टेल रोहित हैज ह्यूमनाइज्ड स्टारडम। How can you even hit a Yorker for a six? I don't, मतलब I can't even imagine. Yorker पे मैंने मारा है six, आपने पता है? Yeah. Wide Yorkers over point so many times. I have tried replicating that shot. वो हुआ नहीं कभी. वो favorite shot है मेरा. मैं गिरा होया बंदा जमा नीचे बल्ली है। रावल कुलकर्णी ने भी ऐसे ही कुछ किया था। इस मैच खेल रहे थे ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो मैथ्यू वेड है ना उनका, वो बैटिंग कर रहा था, एज लग के उसका चौका जा रहा था पीछे पीछे, तो धवल उसको जाके उल्टा सीधा बोल रहा है, ये वो पता नहीं कौन से लैंग्वेज में बोल रहा था। तो मैथ्यू वेड ने बोला ये पार्डन, व्हाट आर यू सेइंग भाई, पार्डन पार्डन। तो ये इसने बोला वो व्हाट पार्डन पार्डन, गो टू द गार्डन। ये वीडियो देखने का मुझे बहुत ही ज्यादा आशा है कि कैसे रोहित शर्मा ने सही उन्होंने बोला हाँ अभी आ सकते हो आप बस में आके बैठ जाओ। तो मैंने देखा था कौन कहाँ बैठ रहा है, वो अच्छा वहाँ पे सचिन तेंदुलकर बैठते हैं, अच्छा यहाँ पे राहुल द्रविड़ बैठ रहे हैं, देयर कम्स युवराज सिंह। मैं यार यूवी का बहुत बड़ा फैन था यार, बिल्कुल हार ऐसे है जैसे कि यू नो फुटबॉलर्स यू नो शॉर्ट्स सॉक्स नाइस सन ग्लासेस एंड कैप उल्टा और हेडफोन्स, ये देयर इज आए अंदर बोला यू बा हाय रोहित, हाँ पर तुझे पता है किसका सीट है वो? मैंने बोला पता नहीं। उन्होंने भाई मैं बैठता हूँ उधर, चल दूसरा सीट पकड़ ले। मैंने बोला ये क्या बात है यार, नहीं ऐसे नहीं बोला उन्होंने, चल दूसरा सीट पकड़ ले। बोला भाई मैं बैठता हूँ उधर, सो प्लीज इफ यू कैन, थोड़ा ज्यादा कर दिया मैंने, खराब एक्सपीरियंस था फर्स्ट एक्सपीरियंस। अच्छा वो नया नया कैसे लगता होगा ना टीम में, मतलब सब लोग एक दूसरे के साथ इतना ज्यादा घुल मिल गए हैं, सब अच्छे से रह रहे हैं और अपन एकदम से नए आ रहे हैं, वी डोंट नो एनीथिंग, आगे पीछे ऊपर नीचे का कुछ नहीं पता है, हम अचानक से जा रहे हैं एवरीथिंग, तो या दैट मस्ट बी अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। ओके तो मैं ये रिएक्ट कर रही हूँ आज के फाइनल मैच के पहले का रिएक्शन है, पोस्ट जब कभी भी करूंगी आई डोंट नो, आप लोग बोलोगे कि ये आपने रिएक्ट किया इसमें फाइनल की बातें थी या जो कुछ भी, तो ये इसलिए रिएक्शन पहले आया बिकॉज ये पहले हो चुका है, अभी तक रिजल्ट हमको पता नहीं है, बट एनीवेज रिजल्ट जो भी हो जीतेंगे तो चाहिए, बट रोहित शर्मा के लिए बहुत प्यारा आ गया है मेरे को अभी ये वाली मैचेस देख के, इतना उन्होंने 6-4 जो है धड़ाधड़ बोलते ना, खतरनाक फॉर्म में अलग ही लेवल पे चल रहे, तो यार ये बनता था ठग लाइफ पे रिएक्ट करना, तो बनता था, बहुत प्यार आ गया मेरे को देखे, वो स्टंप वाली जो उनकी बातें थी वो वाली हो या फिर उनकी पर्सनल बातें भी, ऐसे डाउन टू अर्थ एकदम नॉर्मल इंसान बोलते ना ऐसे एकदम, जो जिसमें एटीट्यूड नहीं है, जो लाइक लिटरली हमारे जैसे ही है काइंड ऑफ, वो वैसे लगे मुझे, एंड उनके 6-4 देख के तो मैं खतरनाक लेवल पे ये हो गई हैरान, मतलब जब वो 92 पे आउट हुए ना हम सब लोग को पर्सनली लग रहा था यार 100 हो जाता है, नहीं क्या मतलब ऐसा ऐसा उनके लिए प्यार आ रहा था यार, उनका रिकॉर्ड हो जाता काइंड ऑफ। क्या लगता है आपको इसके बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना है, था मेरा रिएक्शन जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है, बाकी परत निहाले छा बाय।